हमारे रहीम एफएससी बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए हमने एंड स्टार्ट किया था, इसका इंट्रो देखा था। आज हमने देखना है कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, वो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आज हमने क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखनी है। क्रोमोसोम जिस तरह के आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम जो है वो आपको इस शेप में नजर आते हैं क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं, वरना ये धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको रिकग्नाइज करना इजी नहीं होता। और जब ये इस तरह कंडेंस फॉर्म में होते हैं इन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जब ये थ्रेड लाइक हुए होते हैं और धागानुमा होते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, तो फिर इसे हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है इनकी कंपोजिशन देखते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और इसकी कंपोजिशन जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन की जो है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए जो है इसमें 40% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जो है वो 60% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, क्योंकि ये साइट होती है आरएनए सिंथेसिस की। जो डीएनए है, हम कहते हैं डीएनए एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि डबल स्ट्रैंडेड फाइबर की फॉर्म में और अनब्रोकन सीरीज की फॉर्म में क्रोमोसोम की इंटायर लेंथ में प्रेजेंट होता है। एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम ले तो इसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इसका एक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर, फॉस्फेट और बेसिस आ जाती हैं, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। और एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और ये अमाउंट जो है क्रोमोसोम्स की, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें कि हम एक क्रोमोसोम की ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक बुक पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें 280 प्रिंटेड बुक्स चाहिए होंगी। हर बुक के 1000 पेजेस रिक्वायर होंगे, और अगर एक पेज पे एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक वर्ड को शो करे, और एक पेज पे हम 500 वर्ड्स लिखें, यानी कि एक पेज पे हम 500 वर्ड्स लिखें जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को शो करेंगे, और हमें एक बुक के 1000 पेजेस चाहिए और 280 प्रिंटेड बुक्स चाहिए एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन को बुक पे लिखने के लिए। इसलिए कहते हैं कि ये जो है, अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम ले रहे हैं, और ये क्योंकि कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग हुई होती है इसमें, अगर हम इसको स्ट्रेट जो है वो सीधा करके देखें, तो फिर भी इसको जो लेंथ होती है दैट इज़ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसी वजह से कहते हैं ये कुदरत का एक मार्वल है, नेचर्स मार्वल, यानी कि कुदरत का एक करिश्मा है कि इतने ज़्यादा क्रोमोसोम जो हैं, 46 क्रोमोसोम जो हैं वो, और एक ही डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये असल में कॉइलिंग की वजह से, जो डीएनए में कॉइलिंग जिस तरह ये दिखाई गई है, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है, इसी वजह से ये पॉसिबल होता है कि डीएनए जो है वो इतने शॉर्ट स्ट्रक्चर के अंदर, इनके न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं। अगर इसकी स्टडी करने के लिए हम एक यूकैरियोटिक सेल लें और उसमें से न्यूक्लियस को उसकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट करके उसका न्यूक्लियस बाहर निकालें और उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो हमें जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस का वो रिजेंबल करता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी कि एक ऐसी रस्सी जिसमें बीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के ये देखें डायग्राम में देखें ज़रा, दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अब ये बीड्स क्या होते हैं? ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम इसे बोलते हैं कि असल में ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कॉइल, यानी कि ये 200 न्यूक्लियोटाइड जो है डबल हेलिक्स डीएनए में, वो कॉइलिंग उन्होंने की होती है 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इन्होंने 8 हिस्टोन प्रोटीन की जो है वो कॉइलिंग की होती है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया होता है। इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जिसमें ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ने इसको कॉइल किया हुआ है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम जो है ये असल में इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इन पे ओवरऑल जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है,
मोस्टली जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं इनमें मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इनमें अबंडेंट जो बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन होती है। इसी वजह से ये बेसिक अमाइनो एसिड इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो डीएनए का हम बात करते हैं, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में जो इसका एक जाता है मोनोमर फॉस्फेट जो है, इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इनमें जो बाइंडिंग होती है हिस्टोन जो है, हिस्टोन कोर वो एक मैग्नेटिक फॉर्म में प्रमोट करती है उसके उसकी कॉइलिंग को, यानी कि डीएनए की कॉइलिंग जो होती है वो हिस्टोन के गिर्द, इसकी जो कॉइलिंग होती है वो असल में ये डीएनए जो, क्योंकि इसमें शुगर फॉस्फेट और बेसिस प्रेजेंट है, फॉस्फेट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इन हिस्टोन प्रोटीन्स पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो है वो इसको बाउंड करके रखते हैं। इसी वजह से इन्होंने कहा इसकी रैपिंग जो है वो न्यूक्लियोसोम की हायर ऑर्डर में इसकी कॉइलिंग होती है, और इस हायर ऑर्डर में कॉइलिंग को जब ये स्ट्रिंग होती है न्यूक्लियोसोम उसे रैप करती है एक हायर कॉइलिंग में, इस हायर लेवल ऑफ कॉइलिंग को बोलते हैं हम सुपर कॉइलिंग। उसके बाद आ जाता है कि डीएनए में असल में डिफरेंस आता, तो व्हाट इज अ ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ना डीएनए का, इसमें आ जाता है कि हेट्रोक्रोमैटिन क्या है और यू क्रोमैटिन क्या होता है। डीएनए का जो हाईली कंडेंस पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, इसमें से कुछ पोर्शन जो है परमानेंटली कंडेंस रहता है, यानी कि वो खुलता ही नहीं है, ओपन नहीं होता, शो नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं होता, और इसी वजह से डीएनए उसका एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि वो परमानेंटली कंडेंस रहता है, कि उस पार्ट को हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन, और इस पार्ट को बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, और डीएनए का वो पार्ट जो कि कंडेंस होता है सिर्फ और सिर्फ यू जो है ड्यूरिंग द डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जो कॉइलिंग होती है तब भी वो कंडेंस होता है, ताकि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन सके और कॉइल क्रोमोसोम जो मूव कर सकें, इस पार्ट को हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन, यानी कि वो पार्ट जो कि सेल डिवाइडिंग के दौरान जो है वो कंडेंस होता है और अदरवाइज जो है वो एक्सप्रेस होता है, उसमें जीन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, और इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। और जो हाईली कंडेंस पोर्शन है दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन। और ये डायग्राम में कोई क्रोमोसोम दिखाया गया है जिसमें उसका इतना सा पार्ट लिया हुआ है, इनमें क्रोमोसोम में दिखाया हुआ है कि डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो एक तो इनमें इस फॉर्म में कॉइलिंग हुई होती है, इसके अलावा ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें भी कॉइलिंग हुई होती है इस फॉर्म में। अब ये जो कॉइलिंग है इसे बोलते हैं दिस इज अ सुपर कॉइलिंग, यानी कि इस फॉर्म में भी कॉइलिंग है और ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको सीधा, ये असल में सीधा नहीं, इसके अंदर भी जो है वो कॉइलिंग प्रेजेंट है, दिस इज अ सुपर कॉइलिंग, और ये उन्होंने इसका थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे शो किया हुआ है कि इनमें जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, इसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब इसको खोल के दिखाया गया तो फिर ये आपको डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आता है, और इसके अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिन्होंने इसको मजीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सेंट्रल हमें पता है कि क्रोमोसोम जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है और इसी का सेंट्रल रोल होता है, और ये सबसे पहले सजेस्ट किया था जर्मन एक जेनेटिक्स ने जिसका नाम था कारल कॉर्न, उसने बताया था कि सिमिलर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो एक ही किस्म के क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वो मियोसिस के दौरान पेयरिंग करते हैं, जो कि जिस वजह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो फॉर्मुलेटेड की गई, और ये फॉर्मुलेशन जो थी वो इसी बेस पे की गई थी कि सेम क्रोमोसोम आपस में आके पेयरिंग करते हैं मियोसिस के दौरान, और इसी वजह जो क्रोमोसोमल थ्योरी बनाई गई थी, इनके असल में क्रोमोसोम ही वो जेनेटिक मटीरियल है जिसमें सारा हमारा इनहेरिटेंस जो है वो सेव होती है, ये थ्योरी फॉर्मुलेट की थी अमेरिकन वाल्टर स्यूटन ने 1902 में। बहुत से एविडेंसेस जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं,
और इनमें से एक आ जाता है कि असल में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एग सेल होता है और स्पर्म होता है, वो आपस में फ्यूज करते हैं और फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम एग सेल और स्पर्म को देखें तो एग के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म की तादाद ज़्यादा होती है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, स्पर्म का बहुत थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है। तो असल में वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बेशक साइटोप्लाज्म की कम होता है लेकिन दोनों में न्यूक्लियस और गैमेट्स जो हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए इसके लिटल साइटोप्लाज्म जो है वो उस पर अफेक्ट नहीं करता, बल्कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी न्यूक्लियाई के अंदर होती है और वो जो है इस तरह एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनता है और क्रोमोसोम जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन यानी कि क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान, तो ईच पेयर जो होता है, हर पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है मेटाफेस प्लेट पे इंडिपेंडेंटली जो है वो अरेंज होता है जाके। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी जो था इसको कंफर्म करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल जो ऐसा डीएनए होता है, इसमें उन्होंने मेंडेलियन करेक्टर्स लिए थे, क्योंकि ये करेक्टर हमें पता है कि जीन्स पे, और जीन जो है उन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, और ये करेक्टर जो है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि असल में इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होती है मियोसिस के दौरान, क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है वो असोर्ट करते हैं, और ये जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली इनकी असोर्टमेंट होती है तो जो नंबर ऑफ करेक्टर जो है यानी कि जो भी करेक्टर मूव कर रहा होता है, जो भी क्रोमोसोम के अंदर वो करेक्टर प्रेजेंट है, वो करेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली असोर्ट होता है, और एक ऑर्गेनिज्म में जब एक नए ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर जो है वो दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि एक एक हम कहते हैं इंडिविजुअल में एक किस्म के करेक्टर हैं, दूसरे इंडिविजुअल में दूसरे किस्म के करेक्टर हैं, तो उन क्रोमो उनमें जब दोनों में मियोसिस होती है और नए किस्म के जीन्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से, तो फिर जो उनके जो वो असोर्ट करते हैं तो उससे जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो बास करेक्टर में दोनों से ही एक्सीड कर जाता है। इसके लिए उन्होंने जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे, और ये उन्होंने थॉमसन हंट मॉर्गन ने 1910 में एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई, जिसको साइंटिफिकली हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बोलते हैं, उसने उसकी एक डिटेक्ट की म्यूटेंट फ्लाई यानी कि बाकी उसने सारी फ्लाईज की आईज जो थी वो रेड देखी थी, एक उसमें चेंज थी वो मेल थी और उसकी आंखें जो थी वो व्हाइट थी इंस्टेड ऑफ रेड, रेड की बजाय उसकी आंखें जो थी वो व्हाइट थी। उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि असल में उन्होंने उसको क्रॉसिंग करवाई यानी कि क्रॉस करवाया उसने मेल को नॉर्मल रेड आई फ्लाई के साथ, उसके पास जो प्रोजनी आई और उनका नंबर दिए गए हैं कि F1 जो प्रोजनी है यानी कि जो नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें जितनी भी प्रोजनी थी यानी कि जितने भी डॉटर सेल्स थे उनमें जो नई फ्लाइज प्रोड्यूस हुई थी उनमें रेड आईज थी, फिर उसने रेड आई को एक दूसरे के साथ ही क्रॉस करवाया, जो भी उसके पास जो था नंबर आया वो उसने मेंशन किया हुआ कि उसने जितने जो है उसमें रेड आईड और वाइट आईड प्रोजनी जो थी, और रेड आई की कंसंट्रेशन जो थी वो ज़्यादा थी परसेंटेज 3:1 यानी कि रेड आईड, उसे पता चला कि रेड आईड जो करेक्टर है वो डोमिनेटिंग करेक्टर है ओवर द वाइट आईड। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न थी कि वाई, क्योंकि वो करेक्टर जो था वो उसने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लाई में ही शो हो रहा था कि वाइट आईड सिर्फ मेल में थी, लेकिन जो रेड आई थी वो मेल में भी प्रेजेंट था करेक्टर और फीमेल में भी प्रेजेंट था, तो उसने उसके लिए जो रिजल्ट शो किए कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, जो सारे एक्सपेरिमेंट से उसको ये रिजल्ट जो था इस सोल्यूशन जो था वो ये मिला कि असल में ये सेक्स इन्वॉल्व था यानी कि जीन जो जो कि वाइट आई ट्रेट था वो ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, इसी वजह से
उसका कोई भी पार्टनर जो है, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, या ये मेल दिखाया गया, इसमें वाइट आइज हैं और ये वाई क्रोमोसोम दिखाया गया है येलो कलर में, और ये एक्स क्रोमोसोम जिसमें वाइट आई जीन प्रेजेंट है ये वाइट कलर में दिखाया गया, और ये फीमेल दिखाई गई जिसमें दोनों जो है वो रेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, रेड जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स पे। जब इन्होंने म्यूटेंट ये इनको करवाया तो इससे मेल में और फीमेल में दोनों रेड कलर प्रोड्यूस हुआ, हालांकि वो जीनोटिपिकली उसके जीन्स में तो वो करेक्टर गया था लेकिन वो शो नहीं हुआ। तो असल में उन्होंने बताया था कि ये जो वाइट आइड करेक्टर था वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट था, और उसका वाई क्रोमोसोम से कोई लिंक नहीं था, वाई क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट था, इसलिए ऐसा करेक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, इसे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम बोलते हैं, ये सेक्स लिंक्ड करेक्टर बोलते हैं। इससे वो इस नतीजे पे पहुंचा था कि असल में क्योंकि वाई पे कोई उसका पार्टनर नहीं होता, इसी वजह से अगर एक्स क्रोमो क्योंकि हमें पता है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है, तो इसी वजह से एक्स क्रोमोसोम जो है उसका पार्टनर क्योंकि वाई पे नहीं प्रेजेंट होता कोई भी, इसी वजह से वो एक एक्स जो था वो वही उसमें शो हो जाता था, और मेल जो था वो वाइट आई शो हो रहे थे, लेकिन फीमेल में उसके जीन्स में तो वो वाइट आई जीन जो था वो प्रेजेंट था, लेकिन क्योंकि उसका पार्टनर भी था एक एक्स क्रोमोसोम जो कि रेड था, एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स रेड थे, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे जीन वाइट थे, लेकिन करेक्टर रेड क्यों शो हो रहा था, क्योंकि उसने बताया था कि इसने में रेड आई ट्रेट जो था वो एक डोमिनेटिंग ट्रेट था, इसी वजह से ये और एक्स वाइट वाइट आई जो करेक्टर है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव जो है वो उस फॉर्म में शो हो सकता है जब दोनों क्रोमोसोम्स पे ही ये प्रेजेंट हो, यानी दोनों क्रोमोसोम पे वाइट की फॉर्म में शो होगा, दोनों क्रोमोसोम्स के जीन्स में वाइट ही करेक्टर प्रेजेंट होगा तो फिर ही फीमेल में शो होगा, वरना वो फीमेल में शो नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है, इसी वजह से जो रेड करेक्टर है अगर वो एक पे भी प्रेजेंट है तो वो शो हो जाएगा, और अगर वाइट आई जो है उस जब तक वो दोनों पे नहीं होगा क्योंकि वो रिसेसिव है वो शो नहीं होता। इसी वजह से जितने भी फीमेल उसको वो मिली थी उन्होंने कहा था जितने भी फीमेल प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही थी वो सब में रेड आई कलर नजर आ रहा था लेकिन मेल ही वाइट नजर आ रहे थे, उसकी वजह यही थी कि असल में ये जो है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम था जिसकी वजह से सिर्फ सिर्फ मेल में ही शो हो रहा